वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का मैं हरविंद कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत कर लें हेडलाइंस के नाल। गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे शहीदां दी याद नूं समर्पित करवाया गया शहीदी समागम। वड्डी गिणती दे विच संगतां दा वेखण नूं मिलिया भारी इकट्ठ। शहीदी जोड़ मेले दे मद्देनजर पंजाब सरकार दा फैसला। श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच 3 दिन शराब दे ठेके बंद करन दा ऐलान। छोटे साहबजादियों की शहीदी दिहाड़ी मौके मातमी बिगुल बजाउण का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिया वापस। एसजीपीसी प्रधान ने सरकार नूं मुड़ सिखां दे मामलों में दखल अंदाजी ना करन दी दित्ती सलाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मार्ग के मील पत्थर होए खस्ता, संगत नूं करना पैंदा है काफी दिक्कतों का सामना। मनजीत सिंह जी के मुड़ होए अकाली दल दे विच शामिल, सुखबीर बादल ने करवाई घर वापसी। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। निक्कियां जिंदा वड्डे साके इतिहास दे पन्नियां दे विच जदों भी महान शहादतां दा जिक्र हुंदा है तां उहनां दी शुरुआत दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादे ते माता गुजर जी तों हुंदी है। श्री फतेहगढ़ साहिब की इतिहासक धरती जिथे संसार दे विच लासानी शहादत दे लई जानी जांदी है ते उत्थे ही इह धरती संसार दी सब तो महंगी धरती भी है। इत्थे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी अते बाबा गुजर कौर जी की लासानी शहादत की याद दे विच श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच हर साल 3 दिनों का शहीदी जोड़ मेल भी हुंदा है। इस संबंधी अज गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब विखे शहीदां दी याद नूं समर्पित शहीदी समागम करवाया गया जिथे संगतां दा भारी इकट्ठ भी वेखण नूं मिलिया। ते उधर पंजाब सरकार दा शहीदी दिहाड़ी नूं मुख रखदिआं फैसला सामने आया। तुहानूं दस दईए कि शहीदी सभा नूं ध्यान विच रखदे होए 3 दिन शराब दे ठेके बंद रखण दा ऐलान कीता गया। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਤੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। जिथे एक पासे संगत दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ते उन्हां दे परिवार की शहादत नूं सिजदा कर रही है तां उत्थे ही गुरु साहिब जी दे नां उत्ते बड़े मार्ग ते सड़कां दी सांभ संभाल वल ध्यान देण वाला कोई नहीं है। श्री आनंदपुर साहिब तों श्री दमदमा साहिब नूं जाण वाला मार्ग जिसनूं गुरु गोबिंद सिंह जी मार्ग भी कहा जांदा है ते उस मार्ग उत्ते लगे मील पत्थरां दी हालत काफ़ी तरसयोग बनी हुई है। इस वल सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है जिस कारण संगत विच भारी रोस पाया जा रहा है। असीं अज गुरु गोबिंद सिंह मार्ग ते नेड़े गुरद्वारा गुरुसर सुधार जो कि श्रोमणी प्रबंधक कमेटी का गुरद्वारा है उस ते खड़े हाँ जिथे ये जिन्हें भी गुरु गोबिंद सिंह मार्ग ते जिहड़े बोर्ड लगे आ टुट्टिया होया बहुत सारे बोर्ड आ जिहड़े उस समय लाए गए सी। समय समय दीआं सरकारां ने भावें रिपेयर तां करदे रहे पर इस सरकार ने 2 सालां तों इन्हां सारे बोर्डां वल कोई ध्यान नहीं दिता। असीं सरकार तों इह पुरजोर मंग करदे हां गुरु साहिबजादियां दी याद नूं ताज़ा करदे हुए गुरु गोबिंद सिंह मार्ग दे जिन्ने भी बोर्ड आ ते जित्थों भी सड़क टुट्टी आ उहनूं सारी नूं रिपेयर करे। सो इत्थों दी नगर कीर्तन भी जिहड़ा आनंदपुर साहिब तों लै के दमदमा साहिब तक जाणा उह भी इत्थों इन्हां दिनां 'च ही निंघणा। सो सरकार नूं बेनती करदे हां कि उह अपनी इस कार्ज वल विशेष ध्यान देवे, सिखां दी भावना नूं समझदे हुए इस मार्ग दा जिहड़ा नवीनीकरण करन वल जरूर जावे। श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका कार्यकारी जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके दी पुलिस हिरासत दे विच गुमशुदगी जां कथित तौर ते कतल दी रिपोर्ट आखिर हुण 3 दहाकियां बाद जनतक हुई है। भाई गुरदेव सिंह कौंके की शहीदी का मामला 1992 का है जिसकी रिपोर्ट तो बीते दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों स्थापित किए गए पंजाब मनुखी अधिकार कमीशन ने पर्दा चुकया है।
रिपोर्ट। जनतक होने तो बाद एक बार मुड़ 30 साल बाद यह मामला भख गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के सरबरा सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने भी इस कतल नू सिख नौजवानों की हुई सरकारी नसलकुशी की बेहद घिनौनी मिसाल करार दिता है अते दोषियों नू मिसाली सज़ा देण दी मांग कीती है। इस संबंधी श्रोमणी कमेटी मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल का बयान भी सामने आया है जिथे उन्हें इस मामले की वधेरे जानकारी सिख संगत दे नाल सांझी कीती है। इस समय के दौरान भाई शहीद भाई गुरदेव सिंह कौंके जी जिन्हां नू गिरफ़्तार किया गया उस तो बाद रिहा किए गए मुड़ तो फिर 1992 की 25 दिसंबर अज का दिन 31 साल करीब 31 साल के पहला उन्हां नू पुलिस जिहड़ी है वह गुरद्वारा गुरुसर कौंके तो गिरफ़्तार करती है। उस तो बाद घरों सैकड़े लोगों की हाजिरी विच जिहड़ी है ये पुलिस अपने नाल लै जांदी है ते उस तो बाद उन्हां नू सीए स्टाफ विच रख्या जांदा उस तो बाद थाने विच रख्या जांदा। बहुत लोग इस गल दे चश्मदीद ने कि उन्हां दे परिवार जिहड़े आ उन्हां नू मिलदे रहे होर भी जिहड़ी आ संगत उन्हां दे बारे जाणदी सी पर यह गल कह के कि उन्हां तों बरामदगी करन वास्ते लिजाया जा रहा सीगा जो कि उस समय दी पुलिस ते बुच्चड़ जिहड़ा कहता हुंदे आ जहनीयत दे लोकां ने भाई गुरदेव सिंह जी कौंके नूं शहादत दा जाम पिलाया पर उन्हां दी कहनी ते करनी अज भी इस दुनिया विच याद कीती जांदी है। इस संबंध दे विच मनुखी अधिकार संगठनां वल्लों जो उस समय एक आई जी तिवाड़ी जिहड़ी है जिहड़े अफसर सी उन्हां दे नाम दे उत्ते एक जांच कमेटी बनाई गई तब उस रिपोर्ट जिहड़ी है वह अज जनतक हुई है ते कुछ संस्थावां ने मनुखी अधिकार संस्थावां ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं रिपोर्ट सौंपी है ते अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने बहुत ही जिम्मेवारी समझदे आ इस रुतबे की जिम्मेवारी समझदे आ ते जो सिख कौम नाल वापरिया ते खास तौर पर महान योधे शहीद भाई गुरदेव सिंह कौंके जी दे नाल इस सरकार ने तशद्दुद जुल्म किया उन्होंने शहादत जिहड़ी आ होई आ उन्हां दी उस संबंधी जिहड़ी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट दे आधारित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं हुक्म लाया कि इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हां दे खिलाफ जिहड़े अफसर सी जिन्हां ने इह तशद्दुद किया जिन्हां ने जुल्म किया उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों जिहड़ी साडी कानूनी जिहड़ी आ कमेटी आ उन्हां नूं हुक्म कर दिता गया कि इस मामले की पड़ताल करदे आ कानूनी तौर पर इन्हां दे तत्थ इकट्ठे करके। पंजाब सरकार ने साहिबजादियां दी शहादत मौके 27 दिसंबर नूं मातम बिगुल बजाउण दा फैसला वापस लिया है ते इस फैसले का श्रोमणी कमेटी हरजिंदर सिंह धामी ने जिथे स्वागत किया तो उत्थे ही उन्होंने सरकार नूं सलाह दिंदिया कहा कि वह भविख विच भी सिख मसलियां दे विच दखल अंदाजी ना करे। तुहानूं दस दिए कि इस संबंधी अखौती पंथक पार्टी अकाली दल दे आगू अर्शदीप सिंह कलेर का बयान भी सामने आया। देखो मैं पहला भी कह रहा जिहड़ी सरकारां होंदियां उन्हें अपना कार्ज सरकारां दा करना धार्मिक लोगों ने जां धार्मिक जथेबंदियां ने अपने धर्म के काम करने होंगे वो तो पता नहीं किन सलाह उन्होंने दे दी ये मातरी तो ना ये तो मैं समझदा हाँ कदे खालसे की रवायत ही नहीं रही नरसिंगे तो इतने तो नगारे बजते हैं मृदंग ये तो गुरु साहब का पवित्र सिद्धांत है पर फिर भी मैं समझना जो वापस लिया उन्होंने ठीक किया क्योंकि बड़े पद्धर से नहीं समुची दुनिया ने इस गल का बहुत बड़ा इतराज किया इस करके जो वापस लै लिया उन्हें चंगा किया तो अगह तो भी उन्होंने सलाह देना भाई धर्म के खेत्र के पहली गल तो दखलअंदाजी ना करो जेले करोगे फिर उहदा कई बार यहोजियां गल्लां कर जांदे जिहदा फिर पिछे नूं मुड़ना पैंदा ते जे किसी कोई एक्सट्रीमली हैगी भी है तो किसी धार्मिक लोगों नाल सलाह कर लेनी चाहीदी है फिर वह धार्मिक सलाह अगे भी सरकारां करदियां सी भी 10 बजे उसले वह सायरन जिहा बजदे सी ते 10 मिंट मूल मंत्र का गुर मंत्र का जिहड़ा जाप किया जाता सी। सो मैं समझना चलो देर तौर पर इहनूं वड्डा होर विवाद ही बन जाना सी विवाद ही नहीं सी बनना बहुत सारे लोगों ने इस दे पोस्टां भी पाईया चंगा किया जे वापस लै लिया गांह तो बिल्कुल इहो जी कोई जी गलबात कार्रवाई जी नहीं करनी देर आए दुरुस्त आए
मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब नू एक बेनती करनी चाहना कि हर एक चीज नू अपनी राजनीतिक टीआरपी दे लिए वर्तना बंद करो, हर रोज लाइव हो जाना, फिर पंजाबियों नू ए दसण दी कोशिश करना कि जो भगवंत मान कर रहा है ये तो पहला किसी ने किया ही। मुख्यमंत्री साहब थोड़े तो पहला भी जिहड़ियां सरकारां रहियां ने उन्हां नू भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास सी, नाल ही उन्हां नू भी ज्ञान सी कि की कम करना चाहिए की नहीं। ये जिहड़ियां साडियां लासानी शहादतां ने कुरबानियां ने ये कौम की चढ़ती कला का प्रतीक ने, यह मातम का विषय ने। जो ड्यूटी थोड़ी पंजाब ने लाई है मैं बेनती करदा कि तुसीं अपना ध्यान उहदे ते केंद्रित करो, पंजाब की डिवेलपमेंट की गल करो, सोशल वेलफेयर स्कीमां की गल करो। ये जिहड़ी धर्म दे विच बेवजह की दखल अंदाजी तुसीं बतौर मुख्यमंत्री करनी चाहुंदे हो यह कौम नूं कबूल नहीं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़न की कोशिश करना, गुरुद्वारा साहबाना ते कब्जे लैण की कोशिश करना, यह पंजाब सरकार का कम नहीं, यह मुख्यमंत्री का कम नहीं। चलो अज भी शलाघा दे पात्र हो कि तुसीं अपनी गलती का एहसास किया, पर परमात्मा दे चरणां दे विच बेनती करदा है कि थानू समत बख्शन ता जो अगे तो ऐसी जिहड़ी दखल अंदाजी ऐसी जिहड़ी टीआरपी धर्म नूं लैके भी मुख्यमंत्री करना चाहुंदे ने। पंजाब दीआं जेलां दे विच मोबाइल मिलण दे मामले रुक नहीं रहे हन अते रोजाना लगातार जेलां दे विचों मोबाइल मिल रहे हन। हुण पटियाला जेल दे विच बंद एक कैदी वालों मोबाइल फोन की वरतों करन दा मामला सामने आया। केंद्रीय जेल फिरोजपुर के मामले दे विच पंजाब सरकार नू तिखी झाड़ तो बाद हुण पटियाला जेल मामले दे विच हाईकोर्ट ने डीजीपी पंजाब नू तलब किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी गौरव यादव नू तलब करके जवाब मंगया। पटियाला जेल विच ए अंडर ट्रायल कैदी है जो कि मोबाइल राही जेल विच सैल्फी लैके पोस्ट पा रहा है। इस दौरान कई होर कैदियों के हाथों के भी मोबाइल फोन नज़र आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने हुण इस ते पंजाब दे डीजीपी तो जवाब मंगया। जदों पटियाला जेल विच बंद इस कतल दे मुलजम ने हाईकोर्ट तो जमानत की मांग की थी ता इस मामले विच शिकायतकर्ता जो कि मृतक का पिता है उसकी जमानत का विरोध करदिया हाईकोर्ट विच कुछ फोटो हाईकोर्ट दे विच जमा करवाते हुए कहा गया कि वह अपनी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट उपर पोस्ट कर रहा है। जेल तो ही सोशल मीडिया साइट पर सैल्फी पोस्ट करते हुए इस फोटो दे विच कई होर कैदियों के हाथों के फोन भी नज़र आ रहे हैं। जेल दे विच कैदियों को मोबाइल मिलन ते हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करदिया कहा कि पंजाब दीआं जेलां दी हालत बहुत खराब है, इसलिए हाईकोर्ट ने हुण इह फोटो डीजीपी नूं भेज के 4 जनवरी नूं मामले की अगली सुनवाई ते अपना जवाब दायर करन दे हुकम दिते हन। दस दिए कि फिरोजपुर जेल तो हज़ारां कालां दे मामले दे विच हाईकोर्ट पहलां ही सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। दूजे पासे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की जेल इंटरव्यू ते जेलां दे विच मोबाइल फोन की वरतों का भी नोटिस लिया है। बीते दिन गुरद्वारा चौवास दे विच संगत वालों रागी सिंघां नूं पेंट की गई माया नूं लैके काफ़ी हंगामा वेखण नूं मिलिया सी। दरअसल गुरद्वारा कमेटियां का कहना सी कि यह पैसे गुरद्वारा साहिब की गोलक दे विच पाए जाने चाहिए हैं, जिसनों लैके रागी सिंघां ने रोस प्रगटाया ते इस मौके बनी वीडियो वायरल होने तो बाद गुरद्वारा कमेटी का विरोध हो रहा सी। पर हुण तुहानूं इह वी दस दईए कि हुण इह मामला सुलझ चुकिया है। इस संबंधी दोहां धिरां ने सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट भी शेयर की है अते गुरद्वारा कमेटी ने अपनी गलती लई मुआफ़ी भी मंगी है। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਝਗੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
सिख धर्म के मसले ने इन्हों हर एक गल बंदा गांह उपर चक के उछालना चाहता हूं। सारिया कमेटियां रल मिल के इसनों नजिठ लिया। वाहेगुरु जी का खालसा साढ़े नाल ने गुरु घर के प्रधान जी ने यह भी चार सौ दस वाहे खालसा वाहेगुरु जी फतेह। मैं श्रोमणी कमेटी लोकल कमेटी के प्रधान जी नौत कुलार सिंह मेरा ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਦੱਸਣ ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਦਸਤੋ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਜੀ ਕਹੂੰ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਈ ਪੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬਵਾਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਫਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੋ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 43,000 ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਐਂਟ ਪਾਉਣਾ, ਐਂਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਦੀ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਏਡੇ ਛਾਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ
और कोई कंडीशन नहीं। सरना साहब इतने प्रधान ने, असी नाल रल के लगांगे और साड़ी कोई अज इलेक्शन नहीं है सवेरे कि असी कोई इलेक्शन लड़नी है, कोई सीटा वंडनी है, कोई इलेक्शन जितनी है या कोई अहदे चाहिए ने। साडा काम एको है कि साडे जेड़े मसले ने वह भावे बंदी सिंह का हो, आर्टिकल 25 का हो, ज्ञान गोदरी साहब का हो, डांगमार साहब का हो, और पंजाब के मसले जेड़े ने किते SGPC नू हाथ पैन दिया, किते मैं समझदा कि एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की यूटी की तोड़ी जा रही है, पंजाब का दखल कढ़िया जा रहा, किते भाखड़ा नंगल डैम दे विचों पंजाब का हौली हौली करके असर कढ़िया जा रहा। मैं समझदा कि शायद आम लोगों नू ये गल्लां ना समझ आंदियां होण। अज तुसीं ये देखो कि ये आख्या जा रहा है पार्लीमेंट दे विच बयान आया सरकार वल्लों कि असी जिहड़ी फैसला सरकार ने कीता सी 2019 बद्दी सिंघां दा या राजोणा साहब दा, अज सरकार उस तो बैक ट्रैक कर रही है। ये आख रही है कि जी एदे च ए काम नहीं होया, बी काम नहीं होया, सी काम नहीं होया। मैं पुछना चाहना कि बिलकिस बानो दे जिहड़े कातल सीगे उन्हां नू किते, मैं समझदा वा कि उन्होंने माफी मंगी सी किते। एक दिल्ली दा केस मैं तुहाडा सांझा कर लवां क्योंकि अपनी यादाश्त बड़ी घट है। परमिंदर जी जे मैं बीबी जी आओ किशोरी लाल सी उहदा नाम, किशोरी ए 84 दे इत्थे सज्जन खड़े ने सारे, किशोरी लाल जिसनू बूचर किया जाता सी, जिसनू कसाई किया जाता सी तलोकपुरी दा, मेरी इन्फॉर्मेशन दे हिसाब नाल उसने 33 बंदिया नू ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਪਰ ਦੇ ਨਾਲ 33 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PU ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਊਗੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ ਹੋਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵੇ। आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिए बेचारे? सीट शेयरिंग सर, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई थी, मीटिंग हो गया सर, सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस को लेकर सीट शेयरिंग की मीटिंग हुई सर, सीट शेयरिंग समय पे होगा, वो बताया जाएगा, टाइम आएगा, सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या बैठक के बाद? आपको सब बनाया नहीं क्या कन्वीनर? भैया भैया, अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी सब बात तो तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए
कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बच गलत नहीं भाई गलत है हम जरा भी नाराज नहीं है अब कह रहा था उनको हमके ठीक कमराइए जिनको भी बनाइए हमको नहीं कोई इच्छा है आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं लेकिन अब क्या कीजिएगा कुछ से कुछ बोल देता है लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें बस और कुछ नहीं सो फिलहाल दे लिए पंजाब न्यूज़ विच इना ही मैनूं दुआ गया धन्यवाद